क्वेश्चन है 2010 और 2007 का। फाइंड रियल रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस टू इसकल टू जीरो बाय न्यूटन रैप्सन मेथड करेक्ट टू फाइव डेसिमल प्लेसेस। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसको कैलकुलेटर में वैल्यू पुट इन कैलकुलेटर में लिख के इसका करेंगे, सबसे पहले आंसर निकालेंगे। तो कैसे, तो जैसे ये कैलकुलेटर है तो सबसे पहले आप कैलकुलेटर में इसका वैल्यू लिखिए, मतलब ये एक्सप्रेशन लिख दीजिए। उसके बाद क्या है, यहाँ पे शिफ्ट उसका और सीएलसी, तो पहले इसको दबाएंगे उसके बाद इसको दबाइए, पहले शिफ्ट उसके बाद सीएलसी का बटन, तो इससे क्या होगा आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पे आंसर आ गया, तो इसका देखो रूट आ गया इतना, मतलब कि मेरा आंसर यही आने वाला है इसको सॉल्व करेंगे तो। तो इसमें बोला था कि आप फाइव डेसिमल प्लेस तक बोला है, तो फाइव डेसिमल प्लेस तक आंसर लिख लिए। अब देखो तो गिवन इक्वेशन इज दिस, मान लेते हैं इसको एफ एक्स, तो एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा दिस। अब क्या करते हैं, ये जो आंसर पता है हमको, जैसे कौन सा रूट निकालना है, जैसे कि मान लो कि हमको रूट निकालना है ये वाला रूट निकालना है। अगर ये वाला रूट निकालना तो इसके आसपास का पॉइंट, तो एक 0.4 और 0.5 आप कुछ भी ले सकते हैं, आप ज़्यादा बड़ा इंटरवल भी ले सकते हैं, 0.1 ले सकते हैं, माइनस वन से टू ले सकते हैं, माइनस टू से फाइव ले सकते हैं, कुछ तो कुछ भी इंटरवल ले सकते हैं। तो जितना छोटा इंटरवल उतना जल्दी आंसर आएगा। तो मान लेते हैं कि इंटरवल कौन सा है, 0.4 और 0.5 पे चेक किए तो एक पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा, मतलब कि इस इंटरवल में पक्का एक रूट लाई करेगा। और इसको बोलते हैं हम लोग क्या, बोल जाना थ्योरम, सिंस दिस इज लेस देन जीरो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रियल रूट इन दिस इंटरवल। अब क्या करते हैं, अब हम लोग को चुनना होता है कि न्यूटन रैप्सन फार्मूला, देखो होता क्या, सबसे पहले न्यूटन रैप्सन फार्मूला होता है ये वाला, इसको बोलते हैं हम लोग न्यूटन रैप्सन फार्मूला। इसमें क्या क्या है, xn है, fxn है और f'xn है। तो अब ये क्या होता है और ये क्या होता है, तो जैसे कि यहाँ पे fx है और f'x है, तो यहाँ पे x की जगह क्या रख देंगे, xn रख देंगे, तो यहाँ पे xn, यहाँ पे xn, यहाँ पे xn हो जाएगा, यहाँ पे जो xn रखेंगे तो यहाँ पे xn हो जाएगा। तो fxn पता चल गया और f'x एन पता चल गया। अब इसको क्या करेंगे, ये जो पता चल गया है अब इसको इसमें डाल दीजिए, इसे इसमें रखेंगे तो एक्स एन प्लस वन निकल जाएगा। अब एक्स एन प्लस वन निकल गया, मतलब तो मेरा एक्स एन प्लस वन निकल गया, इतना एक्स एन प्लस वन का वैल्यू आ गया ये वाला। तो ये न्यूटन रैप्सन फार्मूला हमको पता चल गया कि मतलब इस इक्वेशन को सॉल्व करने का फार्मूला हमको पता चल गया ये वाला जो दिया हुआ था। तो अब इस फॉर्मूला में क्या करेंगे, बारी बारी से क्या करेंगे, 0, 1, 2, 3 पुट करेंगे। जब 1 n = 0 पुट करेंगे तो ये वाला हो जाएगा एक्सप्रेशन, x1 बराबर इतना होगा। तो अब यहाँ पे है क्या, x0 है, तो x0 लेंगे किसको, तो जैसे यहाँ पे लिखे x0 = 0.4। अब 0.4 और 0.5 में से किसी को भी ले सकते हैं, तो यहाँ पे बहुत छोटा इंटरवल है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों में बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। लेकिन जब हम लोग बड़ा इंटरवल लेते हैं तो जिसमें जीरो के क्लोज होता है, जिस एक्स के वैल्यू पे ज़्यादा जीरो के क्लोज होता है वो वाला लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे 0.4 ले लिए हम लोग, तो एक्स नॉट की जगह क्या रखेंगे, 0.4, तो इतना वैल्यू आएगा। अब कैसे पता चलेगा कि इतना वैल्यू आएगा, आप ये वाला एक्सप्रेशन को क्या कीजिए, कैलकुलेटर में लिखिए। तो जैसे कि वो वाला एक्सप्रेशन है, इसको कैलकुलेटर में लिख दिए हम लोग। लिख देने के बाद क्या करें, सी एल सी का बटन दबाइए, तो वो पूछेगा एक्स बराबर कितना, तो एक्स बराबर पूछेगा कि एक्स बराबर कितना, एक्स बराबर वाट, तो एक्स बराबर क्या रख देंगे हम लोग, एक्स नॉट का वैल्यू रख देंगे। और एक्स नॉट का वैल्यू है कितना, 0.4, तो 0.4 हम लोग रखेंगे यहाँ पे। उसके बाद इक्वल टू का बटन दबाइए, तो आंसर आ जाएगा कितना, इतना। तो यही हो गया मेरा क्या, ये हो गया x1। फर्स्ट स्टेप में n बराबर 0 पुट करने से, यानी कि x0 का वैल्यू पुट करने से क्या निकल गया, x1, तो x1 पता चल गया हमको।
फिर क्या करेंगे हम लोग, n बराबर 1 पुट करेंगे। तो जैसे n बराबर 1 पुट करेंगे यहाँ पे, जब n बराबर 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 112, यानी कि x2 का वैल्यू देगा वो, तो x2 बराबर इतना आ गया। और x1 निकला कितना है, x1 का वैल्यू निकला है ये वाला, तो जब इतना पुट करेंगे तो कितना आएगा आंसर, इतना। अब बोलोगे कि x1 बराबर इतना पुट करने से आंसर आएगा कैसे, तो वही सेम टू सेम कैलकुलेटर, कैलकुलेटर में जो एक्सप्रेशन डाला हुआ है, तो सबसे पहले कैलकुलेटर में ये वाला एक्सप्रेशन लिखिए, इसके बाद सी एल सी का बटन दबाइए, पूछेगा x बराबर कितना, तो x बराबर कितना वैल्यू रखेंगे, x1 का वैल्यू, x1 बराबर जितना है उसको रख देंगे, और इक्वल टू का बटन दबाएंगे तो मेरा x2 का वैल्यू निकल जाएगा। तो जैसे शायद ये वाला निकला होगा यहाँ पे, तो ये क्या है मेरा x2 का वैल्यू है। जब यहाँ पे सी एल सी का बटन दबाने के बाद पूछेगा x बराबर कितना, तो वहाँ पे x1 का वैल्यू रखिए, तो x2 का वैल्यू कितना आ गया ये वाला। तो x2 निकल गया, जब n बराबर 2 रखेंगे तो x3 निकलेगा, तो जब n बराबर 2 रखेंगे तो क्या निकलेगा, n बराबर 1 रखेंगे तो निकलेगा, n बराबर 2 रखेंगे तो x3 निकलेगा, तो x3 का वैल्यू, x3 में यहाँ पे x2 है, तो ये वाला एक्सप्रेशन जो कैलकुलेटर में लिखा हुआ है वहाँ पे क्या सी एल सी का बटन दबाइए, पूछिए x बराबर कितना, तो x बराबर ये वाला लिखिएगा 0.43845, फिर इक्वल टू का बटन दबाएंगे तो आंसर आ जाएगा, मतलब इतना को सॉल्व करने का कितना आएगा, इतना आएगा। अब देखो ये वाला और ये वाला क्या एकदम सेम है, तो प्रोसेस कर देंगे स्टॉप यहाँ पे, और मेरा आंसर क्या हो जाएगा, यही वाला हो जाएगा 0.43845। सिंस x3 इक्वल टू x2 अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस, देयरफॉर वन रूट ऑफ द इक्वेशन दिस इज, वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज दिस करेक्ट टू 5 डेसिमल प्लेसेस।